हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की जो न्यूज़ है और जो अपडेट्स निकल के आ रही है, अगर वो अपडेट्स सच में है और ये रूमर्स अगर सही हो जाती है तो यूएफसी के जो फाइट्स का लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा। और यूएफसी की फिर कोई इक्का दुक्का फाइट जो हमको बोरिंग दिखती थी वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। भाइयों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल का कॉन्टेंट अगर आपको पसंद आता है तो ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में इंजॉय करने के लिए यूएफसी एमएमए बॉक्सिंग का, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। देखिए भाइयों, यूएफसी दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है, हमको ये पता है। उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे बेलेटोर। अब बेलेटोर का क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सेकंड नंबर की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको नहीं पता उनको लगता है कि सेकंड नंबर पे भी बहुत पैसे कमाती होगी या बहुत फेमस होगी, बट ऐसा नहीं है। यूएफसी का और बेलेटोर के बीच में बहुत बड़ा गैप आता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, जिसके कारण बेलेटोर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि यूएफसी की जो मार्केट कैप है, उसका जो मार्केट में कवरेज है अराउंड 90% है। लोग ज्यादातर अगर एमएमए का नाम लेंगे तो उनके मुंह से यूएफसी ही निकलता है, एमएमए को ही मोस्टली सब यूएफसी समझते हैं। तो यहां पर यही देख सकते हो, इसके कारण बेलेटोर को बहुत कम लोग देखते हैं और उसके कारण उनको नुकसान होता है। सिर्फ बेलेटोर ही नहीं, बाकी सारी एमएमए ऑर्गेनाइजेशंस को भी नुकसान होता है। तो यहां पर एमएमए कम्युनिटी में काफी टाइम से ये बातें चल रही थी कि बेलेटोर बहुत ज्यादा नुकसान में है। बेलेटोर के जो प्रेसिडेंट है स्कॉट कोकर, वो बेलेटोर को बेचने की बातें काफी बार कर चुके हैं। अपने इंटरव्यूज वगैरह में भी उन्होंने बोला था कि बेलेटोर अप फॉर सेल है, मतलब किसी को खरीदने के लिए। बात यह आ रही थी कि पीएफएल के साथ मर्ज होने वाला है, बट यहां पर रूमर्स यह निकल के आ रही है कि यूएफसी ही यहां पर मर्ज करना चाह रही है बेलेटोर को अपने अंदर, बेसिकली अब्सॉर्ब करना कहते हैं, क्योंकि जब कोई बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसको कहते हैं कि अब्सॉर्ब कर रही है। और यहां पर हो सकता है कि यूएफसी इंटरेस्टेड हो बेलेटोर को अब्सॉर्ब करने के लिए, और इसकी यहां पर रूमर्स की शुरुआत इस चीज से हुई। क्योंकि अगर आप यूएफसी के साइट पर जाओगे तो वहां पर सिल्वेट्स दिख जाएंगे आपको बेलेटोर के फाइटर्स के, बेलेटोर के फाइटर्स के एक काइंड ऑफ सिल्वेट्स, मतलब आप समझ सकते हो कि उनके नाम और उनके एज एथलीट्स आप सर्च करोगे तो उनके नाम यूएफसी के साइट पे आ रहे हैं। और उनमें से नाम है माइकल वेनम पेज और एजे मकी, पेट्रिसियो पिटबुल, इन सबका नाम यूएफसी की साइट्स पे आने लग गया। तो भाइयों देखिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर डील जरूर से चल रही है बैकएंड में, जो कि यहाँ पर रिवील नहीं हुई है। ऑब्वियसली बहुत कॉन्फिडेंशियल स्टफ होता है, लेकिन देखिए ऐसे लीगली यूएफसी अलाउड नहीं है कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एथलीट्स को अपने एथलीट्स की तरह अपने साइट पे पोस्ट कर दे, बहुत बड़ा लीगल इशू हो जाएगा। इसलिए जब तक यहाँ पर हम परमिशन या वो फाइटर को यूएफसी ने अपने अंदर ले लिया है, तब तक ये चीजें यूएफसी कर ही नहीं सकती है। इसका मतलब यही है, कुछ ना कुछ तो बैकएंड पे चल रहा है, कोई ना कोई न्यूज हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है बेलेटोर और यूएफसी के मर्जर से रिलेटेड। भाइयों एक और बहुत बड़ी न्यूज आ रही है यहां पर कि माइकल वेनम पेज में, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक में ही माइकल वेनम पेज का जो एमवीपी है, जो बेलेटोर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फाइटर्स है, उन्होंने भी ये अनाउंस कर दिया है कि वो अब एक फ्री एजेंट है, वो बेलेटोर के कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो चुके हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें और ज्यादा कंफर्म होते जा रही है। भाइयों आप समझ सकते हो कि अगर ये न्यूज सच हो जाती है आगे आने वाले दिनों में तो कितना बड़ा लेवल का ये चेंज होगा एमएमए के लैंडस्केप में। आपको यूएफसी के अंदर बेलेटोर के भी फाइटर्स देखने को मिलेंगे, और जो इतने टाइम से ये बेलेटोर वर्सेस यूएफसी का चल रहा था वो भी फाइट्स हमको देखने को मिल सकती है। इसलिए आप सब समझ सकते हो भाइयों कि एक नया टाइप ऑफ एरा स्टार्ट हो सकता है यूएफसी के अंदर। हमको याद है कि 2008-09 के अराउंड जब हुआ था तो वहां पर स्ट्राइक फोर्स को भी यूएफसी ने ऐसे ही अब्सॉर्ब करा था, और उसके बाद एक से एक चैंपियंस निकल के आए थे स्ट्राइक फोर्स से ही, और वहां पर बहुत तगड़े तगड़े फाइटर्स हमको देखने के मिले। भाइयों आप सब इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी न्यूज हो सकती है कि अगर बेलेटोर को अब्सॉर्ब करती है यूएफसी, फिर हमको यहां पर पिटबुल देखने को मिल सकते हैं यूएफसी के अंदर, एजे मकी, वादिम नेमकोव, योएल रोमेरो, अगर वो फाइट कर रहे हैं तो बहुत सारे फाइटर्स जो कि यूएफसी के हैं वो यहां पर आ सकते हैं। और यूएफसी के जो वीक डिविजन है, जैसे कि मिडिल वेट हो गया, हैवी वेट थोड़ा सा शैलो लग रहा है, उन सबको भी कंप्लीट किया जा सकता है यहां पर। भाइयों यही थी सारी अपडेट्स इसके बारे में, सारे रूमर, सारे न्यूज सोर्सेस, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो भी इसके बारे में मार्केट में अवेलेबल था। अब आप सब मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन होगा। वीडियो एंड करने से पहले एक और न्यूज आप सबको बताना है, यूएफसी 291 का जो इवेंट है वो अगला इवेंट होने वाला है, और वो बहुत बड़ा इवेंट है इस साल का। और उसमें से एक सैड न्यूज निकल के ये आ रही है कि इक्रम एलिस्क्रॉव वर्सेस पाउलो कोस्टा की फाइट शायद से नहीं होगी यूएफसी 291 में, और मोस्ट प्रोबेबली ये फाइट कैंसिल हो चुकी है। इक्रम एलिस्क्रॉव के ही कैंप की तरफ से ये न्यूज आ रही है, और यहां पर कुछ टाइम से ही बेसिकली ये न्यूज चल रही थी और पाउलो कोस्टा पूरी तरीके से रेडी नहीं है वो फाइट करने के लिए। देखिए भाइयों यहां पर मैं पहले बताता हूं अभी इसके जगह पे सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि सब कह रहे, कहा जा रहा है कि अब रोमन डोलिट्ज़े को फाइट कराया जाएगा इक्रम एलिस्क्रॉव से, जो कि भी एक बहुत अच्छी फाइट है इक्रम एलिस्क्रॉव के लिए, और हम सबको वो भी देखने को मजा आएगा। पर्सनली भाइयों देखिए पाउलो कोस्टा से अब पता नहीं क्यों मेरा मन उठता जा रहा है, मेरे को अब ये फाइटर उतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। एक टाइम तक आपका ट्रैश टॉक अच्छा लगता है, एक टाइम तक आपकी फनी चीजें और ये ट्वीट्स वगैरह फनी लगेंगी, अनटिल अनलेस आप फाइट करोगे और फाइट्स को जीतोगे। ये बंदा कभी फाइट करने के लिए रेडी नहीं होता, और जब भी ये ऐसे फाइट्स बनाता है तो इसको कैंसिल इतने
इतने ज़्यादा करता है, एक फाइट करता है चार फाइट कैंसिल करता है, तो पर्सनली ऐसे फाइटर्स को देखने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। इसने रॉबर्ट विटेकर के साथ भी दो दो बार फाइट कैंसिल करी, फिर हामजा चिमाएव के साथ भी बात हुई, अब ये इकरम एलिस्कोरोव वाली फाइट भी है एंड मोमेंट पर जाके कैंसिल कर रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है कि मेरे को कभी साइन नहीं करवाया गया, मैंने कभी ऑफिशियली हाँ नहीं करी थी, तो इतने टाइम पहले से ही बोल के रखना चाहिए था। अब ऐसे होता है क्या है कि हम एज अ फैन हमारे इंटरेस्ट जाग जाता है और हम वेट करते रहते हैं और फिर ये फाइट्स कैंसिल हो जाती है। तो भाइयों ये भी एक अपडेट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको इसके बारे में भी अपडेट कर देता हूँ। बाकी भाइयों आप सब अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है पाउलो कोस्टा के ऊपर। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।